Again, welcome to my channel Lakshmi Ayurved, and today I have come with a new topic that is called Bachuki Tel. आज मैं इस वीडियो में आपको बाचुकी ऑयल या तेल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दूंगी. ये कौन से डिजीज में फायदेमंद है, इसे कैसे यूज करना है. तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट्स अब तक पहुंच सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज कॉल्ड बाचुकी तेल. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये व्यास कंपनी द्वारा बनाई गई है. ये बाचुकी तेल है एंड ये ऑयल जो है ये बहुत इफेक्टिव ऑयल है फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस. इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसकलरेशन, जो बहुत बड़ी समस्या है या प्रॉब्लम है, जो कि हमारे स्किन पे सफेद दाग हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बाचुकी ऑयल जो है बेस्ट माना गया है. और ये जो सफेद दाग हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कुछ खास तरह के प्रोटीन की कमी की वजह से ये होते हैं. तो आगे मैं इसके बारे में बात करूंगी कि कौन से प्रोटीन्स आपको लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बाचुकी ऑयल भी लगाना है, क्योंकि ये ऑयल जो है बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है. और सिर्फ सफेद दाग में ही नहीं, ये बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम्स को, ये कोई भी तरह के स्किन प्रॉब्लम में ये ऑयल जो है बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि सफेद दाग, एक्जिमा, पिगमेंटेशन, बॉयलिंग, रेडनेस, स्किन एलर्जी, यहाँ तक कि लेप्रोसी में भी ये इफेक्टिव रिजल्ट देता है. यानी कि कुष्ठ रोग में भी इसे बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है. ये ऑयल जो है ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाती है. अगर आप सोचेंगे कि नहीं तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तो यू हैव टू बी पेशेंसफुल, क्योंकि ये जो डिजीज होती है ये इतनी जल्दी ठीक तो नहीं होती है. लेकिन इस ऑयल को अगर आप रेगुलरली बेसिस में लगाएंगे और अगर आप साथ में कुछ खाने पीने का भी परहेज करेंगे, या तो इससे रिलेटेड जो चीजें खानी चाहिए वो खाएंगे, साथ में इस ऑयल को लगाएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके स्किन की जो कलरेशन है वो धीरे धीरे चेंज होती है और जो है आपको एक नॉर्मल स्किन मिल पाती है. तो और इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है. जिस जगह पे, यानी कि जिस एरिया पे आपको आपकी जो है प्रॉब्लम है, यानी कि जहां जहां आपको सफेद दाग है, वहां आपको 5 to 10 ड्रॉप्स इसमें से निकाल लेने हैं. यानी कि 5 से 10 बूंद निकाल के उस एरिया पे आपको ड्रॉपर से डालना है और हल्के जेंटल हाथों से आपको मसाज करना है. 1 से 2 मिनट तक मसाज करके आप इसे ऐसे ही छोड़ दें. ऐसा आप दिन भर में 2-3 बार कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली तो नाइट को सोने से पहले आप जरूर ये चीज करें, अच्छे से उस एरिया को पहले साफ कर लें और उसके बाद जेंटली मसाज करके आप ओवरनाइट इसे रहने दें. तो आइए बात करते हैं खाने पीने की. अगर हम खाने पीने की बात करें तो इसमें बहुत सारे कंसेप्शंस है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि ऐसे रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है नॉन वेज. सबसे पहले तो बोला जाता है कि नहीं, इसमें नॉन वेज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है. नॉनवेज छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे कि रेड मीट हो गए या तो और बहुत सारे चीज मीट्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, कुछ सी फूड्स है वो अवॉइड करने चाहिए. लेकिन जहां तक बात है कि आपको चिकन आप खा सकते हैं इसमें. और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि आयरन रिच फूड इसमें खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनका जब भी हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है तो उनकी हेमोग्लोबिन जो है बहुत कम पाई जाती है, 6-7 के बीच में पाई जाती है. और जो हेमोग्लोबिन जो होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए, तभी जो हमारी जो स्किन कलरेशन जो बनती है वो एटलीस्ट 11 अगर हो गया हमारी हेमोग्लोबिन, तभी जो है वो बन पाती है. तो उसके लिए जो है आयरन रिच फूड खाने चाहिए, जैसे कि एप्पल और मिल्क लेना चाहिए. बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, इसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसमें आपको एप्पल और दूध का सेवन करना चाहिए. आपको डेट्स लेने चाहिए, यानी कि खजूर खाने चाहिए, कैरेट, गाजर खाने चाहिए, और भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है. अब बात करते हैं कि इसमें क्या नहीं खाना चाहिए. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फूड्स इन द स्किन कलरेशन डिजीज, डिसकलरेशन डिजीज. तो इसमें सबसे पहले तो आपको तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए, यानी कि तीखी लाल मिर्च जो होती है, देगी मिर्च, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. आपको जो है मटन अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा हरी मिर्च भी हो वो भी आप अवॉइड करें, खट्टी चीजों को आप अवॉइड करें, और जो है मटन, जहां तक है मटन वगैरह को भी आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो इन सारी चीजों का परहेज अगर आप करते हैं और साथ में इस ऑयल को आप लगाते हैं,
देन यू विल सी अ बिग डिफरेंस, अ बिग रिजल्ट इन योर स्किन, और आपको जो है बहुत जो है एकदम नॉर्मल स्किन धीरे 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 जो है आना शुरू हो जाएगी और आप बहुत बेटर फील करेंगे। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसके आज की डेट की प्राइस है ₹170 यानी कि ₹170, और ये जो है आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में बहुत इजीली मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो परचेज इट ऑनलाइन और आप इसे आज से ही जो है यूज कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन कंसल्ट अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और बेटर रिजल्ट मिले देन यू कैन कंसल्ट अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर बिफोर द एप्लीकेशन। तो आज से ही आप इसे लगाना शुरू करें। होप मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।